दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही है, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ दोस्तों, सपने साकार होते हैं, सपने पूरे होते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है, मंजिल भी मिलती है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। इसी के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अगर जीवन में सफल होना है तो अपना एक लक्ष्य तय करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और बाकी सभी विचारों को अपने शरीर से बाहर निकाल दो, फिर देखो किस तरह आपकी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम भी यही कहना चाहेंगे कि अगर मंजिल पानी है, लक्ष्य पाना है, तो मेहनत कीजिए, मेहनत से घबराइए नहीं, फिर देखिए किस तरह मंजिल आपके कदम चूमती है। इसी खूबसूरत सोच के साथ, इसी विचार के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है सुप्रभात धरती धौरारी। मैं हूँ आप सभी के साथ आप ही की दोस्त प्रज्ञा। और मैं हूँ विचार व्यास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आपको हर दिन मिलवाते हैं एक नई प्रतिभा से, एक नए व्यक्तित्व से। आज हम आपका जिनसे परिचय कराने जा रहे हैं, उनका जन्म 14 सितंबर 1973 को बीकानेर में हुआ और उन्होंने कवि के साथ साथ लेखक और जिसे कहना चाहिए संस्कृत कर्मी और अनेक प्रतिभाएं भी हैं, ट्रैवल लॉग भी वो करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं और बड़े बड़े उनको पुरस्कार मिले हैं और साथ ही राजस्थान सरकार में आप अधिकारी भी हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश व्यास जी का। साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। इतनी सारी प्रतिभा के आप धनी हैं और इतना इंस्पायर करते हैं आप लोगों को, इतनी प्रतिभा के एक साथ आप काम करने में कैसे सक्षम हो पाते हैं, तो हमारे लिए भी एक सवाल है। तो आप ऐसे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अपने, क्योंकि सुबह का वक्त है, तो ऐसे में आप अपने सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं अपने आप को? आपने जो प्रश्न किया मुझे लगता है कि बड़ा माकूल प्रश्न है और सुबह जो है बड़ी सुहानी होती है मुझे लगता है। बिल्कुल। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें शायद इसलिए कर पाता हूँ कि सुबह को कभी गुजारा जो सुबह का जो होता है जी, वो किसी भी रूप में खराब नहीं करता हूँ। इस रूप में भी नहीं करता हूँ कि सुबह मेरा लिखने का वक्त होता है। अच्छा। और सुबह उठते ही मेरा काम सबसे पहला लेखन का होता है। मुझे लगता है सुबह सुबह जो विचार मन में आते हैं जी। वो विचार शायद पूरे दिन में कभी नहीं आते। बिल्कुल। और जो ऊर्जा सुबह आपके पास होती है, उस ऊर्जा को अगर संचित कर लिया जाए तो मुझे लगता है पूरा दिन बहुत खुशनुमा, फोकस करने में बहुत मदद मिलती है सर। खुशनुमा दिन अगर पूरा गुजारना हो तो मुझे लगता है सुबह सुहानी होनी चाहिए। क्या बात, आपकी मन की भी सुबह सुहानी होनी चाहिए। बिल्कुल। सर सुबह की आपने जिक्र किया है, विचार जी ने जैसे आपसे पूछा था सुबह कैसी होती है, सुबह सभी के लिए बहुत खूबसूरत होती है, नए विचार हमारे मन में आते हैं, एक नया खूबसूरत सा जब सवेरा होता है, सूर्य की किरणों को हम देखते हैं तो मन में बहुत खूबसूरत ऊर्जा जागती है और पूरे दिन काम करने के लिए एक नई शक्ति पैदा करती है। अगर थोड़ा सा पीछे चले, अगर बचपन की हम बात करें, आपके बचपन की, बचपन बहुत खूबसूरत होता है, छोटी छोटी शरारतें होती है, वो मीठी मीठी लड़ाई झगड़े होते हैं, खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। आपके बचपन की बात करें, कहां बीता आपका बचपन, कहां जन्मे पले बड़े? आपने बचपन की बात बहुत अच्छी कही। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां जो है कविता की, खास तौर से मुझे याद आती है, उठती रहती उर्मे तरंग, उल्लास केली क्रीड़ा उमंग, सर्वस्व दान कर डालू मैं, यदि पा जाऊं वो पद महान, मेरे शैशव मेरे अजान। क्या बढ़िया। और ये बात वास्तव में बड़ी सही है कि हम लोग अपने बचपन को जीना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में जो उत्साह, जो उमंग और खेलने का जो चाव जो व्यक्ति में होता है, मुझे लगता है जीवन पर्यंत उस स्मृतियों से हम पूरा जीवन निकाल सकते हैं। तो बचपन की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन बीकानेर में बीता और बीकानेर ऐसा शहर है जिसको अभी भी कस्बाई संस्कृति का शहर कहते हैं, क्योंकि इतना अपनापा, आत्मीयता से रचा बसा शहर बीकानेर है, पाटों की संस्कृति का शहर उसको बीकानेर कहते हैं। तो मुझे आज भी बीकानेर के वो दिन याद आते हैं जब हम लोग मित्रों के साथ में घुमा करते थे, और मुझे लगता नहीं कभी कि ऐसा कोई दिन गया हो जब हम लोग हंसते खेलते नहीं गुजरे हों, क्योंकि तमाम जो लोग हैं आपस में इतना अपनापा था। और आज यांत्रिकता को देखता हूँ, जड़ होते मूल्यों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा बचपन बहुत बेहतरीन था और शायद वो बचपन के संस्कार ही थे जिसके कारण शायद मैं लेखन को जो अपनी गति दे सका। बिल्कुल। व्यास जी आपने बोला बीकानेर में आप जन्मे हैं, बीकानेर में पले बड़े हैं, बीकानेर से मुझे तो सिर्फ एक बात याद आती है, वहाँ की रसगुल्ले और वहाँ की नमकीन, ऐसा मीठा स्वाद मैंने कहीं नहीं देखा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके भी जहन में वो होगा, अभी भी बीकानेर की वो रसगुल्ले की महक और भुजिया नमकीन की जो महक है वो अभी भी कहीं ना कहीं जहन में ताजा होगी। बिल्कुल। बीकानेर का एक बड़ा अपना पा इस रूप में भी है कि वहाँ
खाने पीने का बड़ा लोगों को चाव है और रसगुल्ला और भुजिया जो है नमकीन और मीठा, आप देखिए दोनों विपरीत ध्रुव हैं, लेकिन दोनों ही जो है बीकानेर में बहुत फेमस है और बल्कि सुदूर देशों तक बीकानेर से निर्यात होते हैं ये दोनों प्रोडक्ट जो है। बीकानेर मुझे लगता है कि इस रूप में भी बेहतरीन शहर है पूरे विश्व का, मुझे लगता है कई बार कि एक लघु भारत के साक्षात भी आप वहाँ कर सकते हैं। जी जी। सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी बीकानेर शहर है और ये हमारा बीकानेर शहर ही है जहाँ पर रेत के कवि जो है हरीश भदानी है, नंद किशोर जी आचार्य हैं, और साहित्य और संस्कृति के सरोकार और खान पान की संस्कृति, पाटों पर रात रात जागना, मुझे लगता है बीकानेर अगर आप कोई जाए तो कभी भूल नहीं सकता बीकानेर को। बिल्कुल। स्कूल के सफर की अगर बात करें हम, स्कूल कहाँ किया आपने, कहाँ बीता आपका स्कूल का सफर, कैसे थे स्कूल में, अगर अभी जैसे हम देख रहे हैं बिल्कुल आप शिखर पे पहुंचे हुए, सफलता के शिखर पर है, लेकिन अगर स्कूल के सफर की हम बात करें कैसे थे राजेश व्यास जी? स्कूल के दिनों में बड़ा मैं संकोची प्रवृत्ति कर रहा हूँ, इंट्रोवर्ट जिसको कह सकते हैं, कि बहुत कम बोलता था मैं। और बीकानेर में स्कूल जो है बीके स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई जी। और बीके स्कूल में जब पढ़ाई में कर रहा था तो तभी से लिखने का जुनून उस समय से ही रहा है मुझे, और एक प्रकार से मुझे घर का संस्कार कुछ ऐसा मिला। मेरी माताजी जो हैं वो शिक्षिका रही हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुई शांति व्यास, और उनके कुछ संस्कार ऐसे दिए हुए थे कि बहुत सारा पढ़ने को मिलता था बचपन में हम लोगों को जी। और तमाम तरह की जो साहित्यिक पत्रिकाएँ घर में आती थी उस समय, और किताबें शरद चंद्र, वृंदावन वर्मा, तमाम जो लोग बड़े बड़े साहित्यकार उनकी किताबें घर पे होती थी जी। तो मैं छुप छुपा के पढ़ लिया करता था किताबों के साथ साथ उनको। मुझे लगता है कि वो जो नींव तैयार हुई बचपन की जो है जी, उसी से शायद आगे जो है पढ़ने लिखने की ओर में ज्यादा प्रवृत्त होता चला गया जी। व्यास जी, ऐसा होता है कि स्कूल में हमारे कुछ ऐसी मेमोरीज बन जाती हैं, कुछ ऐसे क्षण हमारे दिमाग में हो जाते हैं, जहन में कैद हो जाते हैं, जो ताउम्र हमें याद रहते हैं, दोस्त भी बनते हैं। और मुझे तो एक बात याद आती है जब माँ अपने हाथ से टिफिन बना के भेजती थी स्कूल का, और वो जब डब्बा खुलता था लंच में तो वो जब खुशबू महकती थी, वो खुशबू मेरे तो जहन में अभी भी। बिल्कुल, आपने डब्बे की बात की तो प्रज्ञा जी मुझे बड़ी याद आई बात की, हम लोग भी टिफिन ले जाया करते थे घर में, लेकिन एक अच्छी बात हम लोगों की ये थी कि हम जब स्कूल जाया करते थे तो साथ ही जितने लोग आते थे हम लोग उनसे कहते थे कि तुम्हारी मम्मी जो बेहतरीन चीज बनाती है वो लेकर आया करो जी। और हम 10-15 जो साथी लोग थे साथ इकट्ठे होकर टिफिन किया करते थे जी जी। और जिसको जो चीज अच्छी लगती थी खाते, तो तमाम स्वाद जो है हम लोगों को मिल जाता था वहां जी, पर जी। और एक थोड़ा बहुत शरारती भी मैं थोड़ा बचपन में था इस रूप में कि हम लोग पढ़ते पढ़ते एक प्रोग्राम बना लिया करते थे कहीं पिकनिक जाने का जो है, तो कई बार पास पास में जाते थे लेकिन कई बार दूर भी हम लोग चले जाया करते थे। अच्छा। तो ये घुमक्कड़ी का जुनून भी मुझे बचपन से ही रहा है, और मित्रों का साथ भी ऐसा था कि हम लोग अब तो मुझे लगता है इतना समय ही लोगों के पास नहीं है, लेकिन उस समय एक रविवार जब होता था छुट्टी का दिन होता तब भी हम लोग कहीं ना कहीं बाहर जो है घूमने का प्लान किया करते थे। जिसको संगीत आता था वो अपने संगीत की प्रस्तुति देता था जी। खेल में कोई एक्सपर्ट होता था तो अपने खेल का प्रदर्शन करता था। तो वो दिन मुझे लगता है कि जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए। सर, जैसा कि कहा जाता है कि साहित्यकार जो होता है वो राजनीति के आगे चलने वाली मिसाल, मतलब मसाल की तरह होता है, जो उसको लेकर के फ्लेम को आगे चलता है। तो ऐसे में ये कला, साहित्य, संस्कृति और लेखन जो कि इतना महत्वपूर्ण है और इतना गंभीर विषय है जिसमें हर कोई जाने का नहीं सोचता है, तो ऐसे में ये समझ आपकी कैसे बनी कि इस मशाल को मुझे लेके चलना है? मुझे लगता है कि साहित्य और संस्कृति है जिसमें ये लक्ष्य लेकर नहीं चला जा सकता कि आपको ये दिशा तय करनी है, क्योंकि ये तो बचपन के संस्कार होते हैं आपके जी। जो आपको ले जाते हैं साहित्य और संस्कृति की ओर। तमाम जो दूसरे क्षेत्र हैं, प्रोफेशनल जो क्षेत्र हैं, उसमें तो यह तय किया जा सकता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है जी। या राजनीतिज्ञ बनना है हमें, लेकिन मुझे लगता है साहित्य और संस्कृति तो ऐसा क्षेत्र है जो अपना लोकतंत्र है उस क्षेत्र का जो है। और मैं बार बार यह भी कहता हूँ कि साहित्य और संस्कृति का लोकतंत्र ऐसा है जिसमें कोई व्यक्ति है, भविष्य में रहने वाला है, या किसी की कुछ उपलब्धियां हैं, तो केवल अपने बूते पर है, किसी और के सहारे वो उपलब्धियां अर्जित नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसा लोकतंत्र है जिसमें व्यक्ति केवल और केवल अपने बूते ही आगे बढ़ता है। तो आपने शुरू शुरू में जब कुछ लिखना शुरू किया तो क्या कुछ लेख से शुरू किया, या आपको ऐसे ही अपना बैठे बैठे कोई पैराग्राफ लिखते थे, आपको लगा कि यार मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ, या आपके गुरु ने किसी ने कहा, या आपके पहले कोई गुरु ऐसे रहे हों जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या इसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए? मुझे लगता है मेरी जो गुरु रही है वो मेरी माँ रही है।
मेरी मम्मी जिसको मैं बोलता हूँ शांति व्यास जो है वो मेरी गुरु रही एक प्रकार से जी। क्योंकि मैं मम्मी को देखता था शुरू से ही जो है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी, पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते हम लोगों को भी कुछ ना कुछ सुनाया करती थी वो जी। तो जो सुनते थे हमें बड़ा रोमांच होता था कि ऐसा भी होता है क्या जीवन में जो है। कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिलती थी जो आम तौर पे बच्चों को नहीं सुनने को मिलती है, तो मैं इस बारे में सौभाग्यशाली भी हूँ कि इस तरह की चीजें मिली। नानी के साथ भी ऐसा ही संयोग रहा कि नानी भी हमें बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी जी। दादी भी कहानियां सुनाया करती थी, दादी से हम लोग हरजस सुना करते थे, वो ऐसे ऐसे भजन जो है, दादी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन जो भजन दादी सुनाया करती थी वो ऐसे होते थे जिसमें निर्गुण भी होते थे, सगुण भी भजन हुआ करते थे। तो अचरज भी होता था इस बात को लेकर कि इतने सारे भजन जो है कैसे दादी याद रख लेती है। कुंभ स्नान की मुझे याद है कि हम लोग दादी हम लोगों को कुंभ स्नान कराने के लिए ले गई थी, अरे वाह, और पूरा भारत एकत्र होता है कैसे सुबह हम लोग कुंभ का स्नान करते हैं, सूर्य का अर्पण, सूर्य को जल अर्पित करते हैं वहां पर। तो मुझे लगता है ये तमाम जो संस्कार जो है उन्होंने मुझे आगे लिखने के लिए प्रेरित किया। और शुरुआत में आपने कहा कि लिखना कैसे हुआ, तो शुरुआत में कुछ छोटा मोटा ऐसे तुकबंदी सा किया करते थे। और बीकानेर में एक बड़ी परंपरा मैं आप लोगों को बताऊं जी, रम्मतों की परंपरा है हमारे यहाँ पर जो है। अच्छा। होली के दिनों में जो है लोक नाट्य रम्मत का मंचन वहां पर होता है और वो रम्मतें जो है पूरी रात रात भर पाटों पर रम्मतें मंचित होती है। अच्छा। और होली से एक महीने पहले जो है पूरा बीकानेर रम्मतमय हो जाता है एक प्रकार से। अरे वाह। हम लोग रात रात भर रम्मतें देखते थे उस समय और रम्मत के जो कलाकार होते थे अधिकतर रमते जो है वो पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों पे होती थी। अमर सिंह राठौड़ की रमत वहां पर हुआ करती थी जी। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें, लेकिन उन रमतों की खास बात ये थी कि वहां जो कुछ संवाद होता था आपस में, जो पात्र संवाद जी, करते जी, थे जी। महिला की भूमिका जो पुरुष निभाया करते थे। अच्छा। लेकिन जो संवाद पद्य में हुआ करते थे, मतलब गीत गाते हुए जिस तरह संवाद हुआ करते थे, वो इतने बेहतरीन पद्य हुआ करते थे कि वो रटे हुए होते थे पात्रों के जो है। तो मुझे उनको देखते देखते लगा कि मैं भी कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मेरी कविता की शुरुआत जो है मुझे, मैं कह सकता हूँ कि शायद वो जो संस्कार रम्मत देखने के थे जी। वहां से कुछ तुकबंदी सा मैं करने लगा जी। और फिर धीरे धीरे जितना ज्यादा पढ़ा, मुझे लगता है पढ़ना जो है वो आपको हमेशा संपन्न करता है। और मुझे और लगता जितना ज्यादा पढ़ा उतना ज्यादा जो है लिखने की ओर प्रवृत्त होता चला। पढ़ना और सीखना तो ताउम्र ही अगर हम करते रहे तो भी ऐसा लगता है अभी तो शुरुआत की। जी। आपने बताया कि आपने दादी माँ से भजन सुने हैं, भजन सीखे हैं, आपकी माता जी आपको गुनगुनाती थी, बहुत खूबसूरत कहानियां सुनाती थी, तो क्या कुछ याद है आपके दादी माँ के सिखाए हुए कुछ भजन? खूबसूरत सा वक्त है सुबह का, तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? कुछ भजन भी थे, लोकगीत भी थे और भजन में जिसको हम हरजस बोलते हैं, जिसको कहा करते थे हम। और एक तो पता नहीं मुझे वो बहुत ही बेहतरीन जो है लोकगीत जो दादी सुनाया करती थी, काड़ो जी काड़ो कई करा सही जी, बिल्कुल सुनाए। ये बड़ा अच्छा, काड़ो जी काड़ो कई करो सहेल्याए, काला राजा राणा तेरा केस, उभण तो उजास भरण्यो गाया रागुवाड़, चाल्या पंछीड़ा महाराज चाल्या, नैन धर्म सब साथ सहेल्याए, काला राजा राणा तेरा के। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है वापस से बीकानेर के उन्हीं यादों में आप खो गए। कॉलेज के सफर की अगर बात करें तो कॉलेज एक ऐसा पड़ाव होता है जहां हम मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी होती है, थोड़ी आज़ादी का माहौल भी होता है, और अगर हम देखें तो भविष्य के लिए सपने भी हम वहीं बुनते हैं, क्योंकि एक जो आदमी होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, एक मन में भी सोच होती है क्योंकि आगे चल के परिवार को भी संभालना होता है। तो किस तरह आपका कॉलेज का सफ़र रहा और कब आपको ये लगा कि आपको इस विधा में आना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दर्शकों के लिए खास तौर से कि जो हम लोगों का समय था, मैंने 1987 में जो है 87 में 10th 10वीं की थी मैंने जी, और मुझे लगता है अभी भी कुछ कुछ ऐसा ही है कि विषय जो लिया जाता था उस समय जो है उसमें यह था कि जो बहुत अधिक होशियार बच्चा हुआ करता था उसको साइंस लेने के लिए प्रेरित किया जाता जी। था, और तो मीडियम जो होता था उसको कॉमर्स के लिए किया जाता था, और बिल्कुल भी जो कुछ मतलब ऐसा मानते थे कि इसकी बुद्धि कम है और बिल्कुल कमजोर टाइप का है तो उसको आर्ट्स के लिए किया जाता था। तो ये मुझे लगता था कि समय की ऐसा कुछ वो था, तो हम लोगों ने भी इसी तरह से शायद सोचा कि बहुत ज़्यादा मैं होशियार बच्चा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ कि, लेकिन ठीक है एवरेज जिसको बोलते हैं, और इसीलिए शायद मुझे कॉमर्स जो है ली मैंने, कॉमर्स लाई गई मुझे, लेकिन कॉमर्स में मेरी कभी रुचि रही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ।
पढ़ने लिखने की रुचि थी, इसलिए ये था कि कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया हमने, स्कूल नाइन्थ में उस समय सब्जेक्ट लिया किया करते थे, तो नाइन्थ में हम लोगों ने कॉमर्स लिया और कॉमर्स में मैंने फिर एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की, एमबीए किया मैंने, पीएचडी टूरिज्म मैनेजमेंट में मैंने की, लेकिन मेरा पर्यटन में रुचि थी शायद इसलिए मैंने पीएचडी टूरिज्म में की। मैं एक बात ज़रूर साझा करना चाहता हूँ कि ये जो परंपरा चल रही है अपन लोगों की, तो हम लोग बहुतेरी बारे जान नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्षमता है। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि नई जो पीढ़ी है उसको थोड़ा सा अपने आप को खंगालना चाहिए। मैंने शायद बहुत बाद में इस बात को जाना कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब मैं कॉमर्स में आया तो मैंने देखा कि गणित में मैं बहुत अतिक अच्छा नहीं था, लेकिन थ्योरी के जो सब्जेक्ट हुआ करते थे उसमें बिना पढ़े 80 से ऊपर नंबर आ जाया करते थे, एबो 80 जो नंबर मिल जाया करते थे। तो बहुत ज्यादा पढ़ाकू नहीं था, क्योंकि जब एग्जाम्स होते थे तभी पढ़ा करता था मैं, और हर बार ये प्लान करता था कि इस बार शुरू से पढ़ूंगा, लेकिन हर बार ये फेल हो जाया करता था। और शायद 8th 9th में जब मैं पढ़ता था तभी इसे लिखना शुरू कर दिया था मैंने। तो ये बेनिफिट भी रहा कि 65-70 के करीब मेरे नंबर हमेशा आते रहे। 10वीं में मैं फर्स्ट डिवीजन आया था उस समय, और उस समय 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आना 87 में बहुत बड़ा माना जाता था कि 10वीं में कैसे। तो जो मुझे जानते थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता नहीं था, टीचर तो उन लोगों ने कहा कि तुम फर्स्ट डिवीजन आ गए, तो मैंने कहा हाँ मैं आ गया फर्स्ट डिवीजन, और मैंने पहले ही घोषित कर दिया था कि मैं फर्स्ट डिवीजन आ जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि पेपर जब मैं देख के आया तो मैंने कहा मैथ्स को छोड़ देता हूँ, उसमें तो केवल 33-48 नंबर आएंगे, लेकिन बाकी जो विषय थे उसमें मैंने जो है अच्छे मार्क्स अर्जित किए। और ये स्पीड बाद में भी रही मेरी कि मैं, चूंकि मैं अपने आप को जानता था कि बहुत ज्यादा नंबर मायने नहीं रखते, लेकिन ये था कि सफलता जो है आपको कैसे प्राप्त करनी होती है। तो मैंने बिजनेस एडमिशन शायद इसीलिए लिया कि वहाँ थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था, और फिर टूरिज्म में भी रुचि थी, तो मैंने फिर बाद में रुचि का काम किया। मैंने MJMC किया, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, BJMC किया मैंने जी। क्योंकि जब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं कॉलेज में पढ़ने के बाद में जब ग्रेजुएशन मैंने किया तो एक चिंता स्वाभाविक रूप से हुई थी कि अब नौकरी प्राप्त करनी है। तो हम लोगों ने मित्रों ने कहा कि नौकरी कैसे मिल सकती है, तो इतना ही किया कि उस समय कंप्यूटर नया नया आया था, हम लोगों का कंप्यूटर में अगर डिग्री मिल जाती है तो तुरंत नौकरी मिल जाएगी। तो मैंने भी PGDCA में एडमिशन ले लिया। अच्छा। लेकिन एडमिशन लेने के बाद में मुझे पता लगा कि मैं कंप्यूटर में सक्षम नहीं हूँ। हालांकि आप आश्चर्य करेंगे कि कंप्यूटर में भी मैं जो है मुझे PGDCA में भी ए ग्रेड मुझे मिला, अबव जो है 80% नंबर आए उसमें, लेकिन मैंने उस कंप्यूटर की डिग्री कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि तब तक मुझे समझ आ चुका था और मैंने कभी कोई फॉर्म जो है कंप्यूटर के लिए नहीं भरा जी। और मैंने अपने आप को जब खंगाला, एक प्रकार से कहें अपने अंतर्मन में झांका मैंने, तो मुझे लगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ और बहुत बेहतरीन पढ़ा सकता हूँ जो है जी। तो फिर मैंने अपने आप को केंद्रित किया इसी में, और फिर मैंने जर्नलिज्म में डिग्री की मैंने। और उसी समय आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तभी इग्नू जो है इंदिरा गांधी ओपन सिटी, उसमें काउंसलर के रूप में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। अरे वाह। और शायद मैं अधिकारी नहीं होता सूचना जनसंपर्क विभाग में, तो कहीं पढ़ा रहा होता, प्रोफेसर अच्छा। के रूप में कार्य कर रहा होता, तो मेरी रुचि भी रही है पढ़ाने की जो है। तो मुझे लगता है कि यह भी सोचना चाहिए कि हम लोग किस क्षेत्र में जा सकते हैं, और हमारे अंदर हम झांके तो ये पता लग सकता है कि हमारे अंदर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सफलता प्रदान कर सकती हैं। बिल्कुल। राजेश जी, आपने बोला कि पर्यटन आपकी रुचि का विषय रहा है, आप यात्रा वृतांतकार भी रहे हैं, ट्रैवलॉग्स भी आप लिखते रहे हैं, शूट भी किया है आपने कई ट्रैवलॉग्स को। आज हमारे साथ है राजेश व्यास जी। राजेश जी, अभी हम बात कर रहे थे, आपकी बहुत सारी हमने बातें करी, आपकी पढ़ाई की बात करी, किस तरह आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं, लेकिन एक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आपको जाना जाता है, एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के आप धनी हैं। जनसंपर्क अधिकारी की बात हम करें अगर, तो क्या उत्तरदायित्व होता है जनसंपर्क अधिकारी का, क्योंकि सीधे जनता से संपर्क करना होता है, तो जनता और जनसंपर्क अधिकारी के बीच के क्या दायित्व होते हैं? और लोग सबसे पहले आपके पास ही आते हैं, और जो भी अपनी क्वेरीज होती हैं या अपने जो काम होते हैं तो उसके लिए वो कोशिश करते हैं कि आपसे ही सीधा संवाद करें और अपने जो काम है उसको पूरा करवाएं। देखिए, मैं अभी उपनिदेशक पद पर कार्यरत हूं जनसंपर्क सेवा में जो है, और मैं गलती से मुझे लगता है इस सेवा में आ गया
गलती से इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैं जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे जी। तो बीकानेर में सूचना केंद्र हुआ करता था, जैन कॉलेज से हम लोग जब वापस आते थे तो सूचना केंद्र में अक्सर जाया करता था, क्योंकि उस समय भी लिखना शुरू कर दिया था मैंने, और अधिकतर मैं देखता था अखबारों में जब छपता था, करीब करीब रोज ही छपता था मैं अखबारों में, तो सूचना केंद्र में तमाम समाचार पत्र आते हैं वाचनालय में जो वहाँ पर, तो मैं देखा करता था कि कौन सा अखबार आया, किस अखबार में क्या छप रहा है, ये भी रुचि रहती थी वहाँ पर। और मैं नीचे देखा करता था कि एक हमारे यहाँ पे भार्गव जी थे जो वहाँ पे इनक्वायरी असिस्टेंट हुआ करते थे सूचना केंद्र में जो है, उनका कमरा बिल्कुल सामने था वाचनालय के, तो इतनी ढेर सारी किताबें देखा करता था वहाँ पर। वो मुझे लगता था कि इतनी सारी किताबें एक अधिकारी के पास में है, उसके कार्यालय में है, तो इसका मतलब वो कितना संपन्न है वो अधिकारी जो है। और फिर थोड़े समय बाद देखता है कि वहां से जनसंपर्क अधिकारी महोदय उतरते, गाड़ी उनके लिए तैयार होती थी, जीप जो है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस सेवा में जाना है जहां पर इतनी सारी किताबें मिलेगी और आप अधिकारी के रूप में भी जो है आपको गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी वहां पर। तो बिना सोचे समझे मैंने पहला कॉम्पिटिशन जो है सूचना जनसंपर्क अधिकारी के रूप में मैंने दिया उसमें आरपीएससी से, और मेरा सिलेक्शन पीआरओ के रूप में हो गया था 1996 में जो है। जब जनसंपर्क अधिकारी के पद पर मैं उसी विभाग में जो है वही बीकानेर जिला जनसंपर्क कार्यालय में पदस्थापित हुआ, मेरे पास 20-22 का स्टाफ था उस समय, लेकिन जब मैं वहाँ पर स्थापित हुआ तो ये जानकर मुझे बड़ा दुख भी हुआ इस बात को लेकर कि इतनी व्यस्तताएं नौकरी की रहती है कि आपको कलेक्टर के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, वहाँ पर पॉलिटिशियन कोई आता है वहाँ पर, राजनीतिज्ञ कोई आता है, तो उसके साथ आपको जाना पड़ता है जी। और बहुत सारे काम मुझे लगता है एक साथ जनसंपर्क सेवा के अधिकारी को करने होते हैं, तो मैं सोचता ही रहता था कि लाइब्रेरी में जाऊंगा, कभी लाइब्रेरी में जा ही नहीं पाया मैं। अच्छा। तो मुझे लगा कि वो साहित्य, पहले सोचता था साहित्य कार्य के लिए अच्छी पद होगा वो, लेकिन बाद में मुझे लगा कि वहाँ साहित्य और से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है, हम लोग तो एक मैसेंजर के रूप में काम करते हैं कि जो कुछ सरकार करती है जनता के कल्याण के लिए उसको व्यापक वर्ग तक पहुंचाने का काम जनसंपर्क सेवा में किया जाता है, और उसके लिए प्रसार माध्यमों का उपयोग किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी और वेब मीडिया भी है, तीनों स्तरों पर जो है जनसंपर्क सेवा के अंतर्गत जो कुछ सरकार कल्याणकारी कार्य करती है, विकास योजना जो सरकार की होती है, उनको इन माध्यमों के जरिए जो हम लोग व्यापक वर्ग तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि उनको उसका लाभ जो है मिल सके। लेकिन थोड़े समय बाद मुझे लगा कि जो है ये भी एक बड़ा, आपको किस्सा बताऊं मैं आपको, कि मैं नौकरी में आ तो गया लेकिन बड़ा अनमना सा रहता था कि शायद मैंने गलत चयन कर ली नौकरी का। और एक दिन मैंने कमलेश्वर जो बहुत बड़े साहित्यकार है हिंदुस्तान के जो, उनसे बड़ा संवाद रहता था, उनका बड़ा स्नेह भी था मेरे पे, उनको मैंने लिखा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, और बाकायदा मैंने नौकरी छोड़ने के लिए एप्लीकेशन भी दे दी कि मैं लिखना पढ़ना ही करूंगा और नौकरी शायद मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत सा जवाब मुझे एक पत्र में दिया, उनका पत्र मेरे पास आज तक पड़ा, उनका राजेश तुम जो भी काम करो उसको मन से जियो, रचना उसी से जन्म लेती है एक वैध संतान के रूप में। बहुत बढ़िया। अभी तुम्हें तय करना है कि तुम वैध संतान चाहते हो कि वैध संतान चाहते हो। और वो दिन और आज का दिन है, मैंने नौकरी को जीना शुरू कर दिया। और मैं मित्रों ये भी बताना चाहता हूँ आप सबको, दर्शकों को भी, कि अगर आप किसी काम को जीते हैं मन से तो निश्चित रूप में उसमें सफल भी होते हैं, और जो अनमनापन होता है आपका उस काम के प्रति, बेरुखी का जो भाव होता है आपका, वो भी तिरोहित हो जाता है एक प्रकार से। और मैंने नौकरी को जीना शुरू कर दिया। और ये बात भी ठीक नहीं है, कोई ये कहता है कि जनसंपर्क सेवा में अगर हैं तो आपके मीडिया से संपर्क के लिए आपको उनसे बहुत ज़्यादा बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, या उनसे घुल मिलना पड़ता है। आप घुल मिले, लेकिन अपने तरीके से घुल मिल सकते हैं। मैं जनसंपर्क सेवा में आने के बाद में, चूँकि इंट्रोवर्ट था मैं, लेकिन मैंने ये किया कि जो मेरा काम है वो पूरी प्रतिबद्धता से करता। अच्छे लोग बहुत सारे हैं पत्रकारिता में भी, और तमाम क्षेत्रों में अच्छे लोग हैं, उनसे सतत संपर्क संवाद भी रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर लोग पहचान लेते हैं कि आप किस तरह के व्यक्तित्व के हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती जिंदगी में। और मुझे लगता है कि मुझे फिर बाद में कभी दिक्कत नहीं आई। और मैंने जनसंपर्क सेवा में बहुत सारे नवाचार भी किए, प्रयोग भी किए, और इस रूप में भी किया कि जब मैं पुलिस कमिश्नरेट में पदस्थापित था वहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में, तो मैंने वहां पर शुरुआत में यूनिकोड में जो है, हम लोग जैसे जो देते हैं प्रेस नोट जो भेजते हैं, वो वर्ड में जो है कृतिदेव फॉन्ट में जाया करता था, तो मैंने शुरुआत में वहीं पर एक पहल की कि उसको कन्वर्ट कर देते यूनिकोड में। और यूनिकोड चूंकि आप मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं उसको जो है। अच्छा। और वो शायद प्रयोग मैंने इसलिए किया, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार जबरदस्त हुआ था, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पल पल की खबर जो है वो देनी होती है पत्रकारों को। बिल्कुल। तो प्रिंट मीडिया के लिए तो ठीक है, जो प्रेस नोट जाता है दूसरे दिन छप जाता है वहां पर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये रहता है कि आपके पास खबर गई जैसे ही, तभी उसका उपयोग जो है वो कर लिया जाता है।
तो यूनिकोड में जब जाता तो वो मोबाइल में उसको देख लेते और उसका राब तो खैर बहुत सारे लोग करने लग गए हैं। और ये भी काम किया हमने कि जो कुछ आपके विभाग से संबंधित चीज़ें जो है केवल प्रेस नोट ही नहीं उससे संबद्ध कुछ विशेष लेख फीचर भी प्रकाशित कराने का कार्य किया गया। और वो केवल फीचर इस रूप में नहीं कि सरकारी भोंपों की तरह लगे चीज़ें जो है हमने ये प्रयोग किया उसमें कि वो जो फीचर और है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने फीडबैक दे दिया जर्नलिस्ट को जो है उसमें बहुत सारे इनपुट्स उसको दे दिए कि वहाँ से एक स्टोरी तैयार कर लीजिए। यार मुझे लगता है किसी एक माध्यम में भी बेहतर स्टोरी सरकार के कार्यों की हो जाती है तो उसके अच्छे परिणाम जो है सामने। बिल्कुल राजेश जी आपने सरकारी बहुत सारे विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं, वर्तमान में आप माध्यमिक शिक्षा में हैं, अगर और विभागों की बात करें तो कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग्स रही और अगर ये बात करें कि कहाँ सबसे ज्यादा अच्छा लगा, अनुभव कहाँ का सबसे अच्छा लगा, तो वो कौन सा विभाग? मुझे लगता है फील्ड का काम जो बड़ा बेहतरीन रहता है। हम लोग जब शुरुआत में पदस्थापित में राजसमंद में हुआ, राजसमंद जोधपुर के पास में छोटा सा जिला है, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के रूप में 1996 में मेरा पदस्थापन राजसमंद में हुआ। अच्छा। और मैंने वहां पर भी खूब घुमक्कड़ी की, मैं आपको बता अच्छा। रहा हूं। क्योंकि जब आप फील्ड में रहते हो, फिर उसके बाद जालोर भी रहा मैं कुछ समय के लिए, चुनाव के दौरान जालोर लगाया गया, तो मैंने तय कर लिया कि मैं अपना काम बहुत बेहतरीन ढंग से करता लेकिन साथ साथ उस स्थान विशेष को भी जीता था। क्योंकि मुझे लगता है कि सूचना जनसंपर्क सेवा का एक काम यह भी है कि जो संस्कृति जो बिखरी पड़ी अपने यहाँ पर जो है, पूरा संपदा हमारी जो है, धरोहर जो हमारी जो है, उसको भी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। और ये मुझे लगता है काम कम होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि एक बड़ा काम सरकारी क्षेत्र में रहते हुए आपको ये भी करना होता है कि जो हमारी कल्चर है उसका कैसे प्रचार किया जाए। तो मैंने ये काम बहुत से स्तरों पर किया, बहुत से स्थानों पर गया मैं, और जब तक आप उस स्थान पर जाएंगे नहीं, उसको जिएंगे नहीं, तब तक उस पे बारे में अच्छा लिख नहीं पाते, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि आपने इतना ज्यादा पोस्टिंग्स को भी देखा और तरह तरह के इलाकों में आप जाकर के लोगों से मिले, आपको नए तरह के काम करने के अवसर मिले, क्योंकि एक जनसंपर्क अधिकारी एक वॉइस होता है एक अपने विभाग का, और उसके साथ में आपने नवाचारों का भी जिक्र किया, तो हम जानना चाहेंगे कुछ ऐसे नवाचार आपके। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया तो उस रूप में कुछ नवाचार वो किए हमने, कुछ ऐसे काम भी किए कि कोई विशेष कार्य अगर सरकार का हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आमंत्रित करके उस पर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनवाई जाए। जब मैं एजुकेशन में था पहले कार्यकाल में, एजुकेशन में लंबे समय तक मैं रहा हूँ, जनसंपर्क अधिकारी ग्रुप में भी रहा हूँ और अब उप निदेशक पद पर भी मैं कार्यरत हूँ, तो हमने एक काम किया था सब पढ़े आगे बढ़े ये नाम से एक हमने प्रोग्राम शुरू करवाया था उस समय। और उसमें ये होता था कि जो भी योजना है शिक्षा से संबंधित जो है उस पर कुछ रोचक ढंग से जो है जानकारी जो लोगों को दी जाए, बहुत से लोगों से संवाद भी किया जाता था कैसे उस योजना का क्रियान्वयन किया जाए, तो वो बड़ा सफल भी रहा था अभियान जो है, और करीबन साल भर तक सब पढ़े आगे बढ़े प्रोग्राम चला था उस समय। ऐसे ही जब वन विभाग में था तो हरित राजस्थान नाम से हम लोगों ने एक सीरीज शुरुआत की थी कि उसमें जैसे खेजड़ली का जो बलिदान हुआ है वो लोगों को कैसे पता लगे कि कैसे पेड़ पौधों की सुरक्षा की जाए। यही जो है राजकिशोर जी जो निर्माता है वो बनाते थे उस समय, और वो बड़ा बेहतरीन बना था प्रोग्राम हरित राजस्थान जो है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारा काम है, बहुत सारे अवसर हैं अगर आप करें तो। जी शायद इसीलिए आपको आपके कामों के उत्कृष्ट काम किए आपने जनसंपर्क विभाग में, और इसी के लिए शायद आपको जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक बहुत खूबसूरत आपको अवार्ड भी मिला था, इस अवार्ड के बारे में जरा बताएं। जनसंपर्क विभाग की तरफ से नहीं, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसकी तरफ से मुझे मिला, और उत्कृष्ट जनसंपर्क उत्कृष्टता का सम्मान जो है खैर ये सम्मान तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा सम्मान ये है कि आपको लोग जो है याद करें। हाँ। और मीडिया जो है उसमें आपके बारे में ये कहा जाए कि नहीं ठीक ठाक है वो आदमी, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा सम्मान है आपके लिए जो है। जी सर, आपने बताया कि आपको लिखने पढ़ने की जो आदत पड़ी वो आपके माता जी से मिली जी। दादी जी से मिली, आपके पिताजी से मिली, और शायद ये लिखने पढ़ने की आदत ही थी जो आपको आज एक साहित्यकार के रूप में जनता जानती है, एक कवि के रूप में जानती है, एक समीक्षक के रूप में जानती है। कविताओं की अगर हम बात करें तो किस तरह की कविताओं पर, किस विषय पर लिखना पसंद करते हैं, और आपकी ही बनाई हुई रचना मुझे लगता है कविता कोई सोच कर कभी लिखी नहीं जा सकती किस विषय पर कविता लिखनी है। और मैं यात्रा वृतांत लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, कहानियां भी लिखता हूँ, और दूसरी जो विधाएं निबंध जो है ललित निबंध वो भी लिखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि विधा जो है वो आपको चुन लेती है, आप विधा को नहीं चुनते, क्योंकि बहुतेरी बार ये होता है कि लिखना होता है कि हम यात्रा वृतांत लिखेंगे, लिखी कविता जाती है। अच्छा। कई बार ये होता है कि आप किसी विशेष स्थान को जो है अपने मन में जी रहे होते हैं और चाहते हैं कि एक बहुत बेहतरीन जो है
यात्रा वृत्तांत लिखा जाए, लेकिन यात्रा वृत्तांत के बजाय जो है ललित निबंध लिखा जाता है, तो मुझे लगता है विधा आपको चुन लेती है। और कविता से मेरा लगाव, जैसा मैंने आपका कहा कि रमते हम लोग देखा करते थे, पद्य में संवाद हुआ करता था, वहीं से कविता से शुरुआत हो गई थी। मेरा पहला कविता संग्रह जो है राजस्थानी का जो है 1994 में प्रकाशित हो गया था, जब 20 साल का था मैं, 21 साल का था मैं। और उसके बाद में चार कविता संग्रह मेरे प्रकाशित हुए, हिंदी का झरने लगते हैं शब्द जी। और जिसको भी साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दिया, कविता द्विवेदी, कविता दृष्टि देती है। और मुझे लगता है कविता व्यक्ति को दृष्टि देती है, क्योंकि कविता ऐसा अनुशासन है साहित्य का जो है, ऐसी विधा है साहित्य की, जिसमें आप बहुत कम में बहुत सारा कह देते हैं जी। और कविता तुकबंदी नहीं है, मुझे ये भी लगता है, क्योंकि बहुत सारी बार ये भी लगता है कि कविता, ये ऐसा मान लिया जाता है कि हर कोई व्यक्ति कविता कर लेता है, कविता कर लेता है, क्योंकि कविता जो है वो अर्थ गर्भित होती है। और मुझे लगता है वह कविता ज़्यादा प्रभावी होती है जो पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आपके जहन में बस जाती है जी। आपने अज्ञे की कविता, मैं आपको बताऊं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, फिर जहर कहां से पाया, कैसे सीखा डसना, क्या बात है। तो ये जो मुझे लगता है पंक्तियां जो है जी, तो वो अपने आप में इतना अर्थ उसकी गर्भित है कि आपको सोचने के लिए विवश करती है जी। और मैं मेरी कविता की बात करूं कि मैंने शुरुआत में कुछ सपाट बयानबाजी सारी कविताएं लिखी जो तमाम लोग करते हैं, चित्रकार भी पहले ऐसे ही करता है लेकिन बाद में एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चला जाता है जी। लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते हैं और संपन्न होते हैं परिवेश से जो है, तो मुझे लगता है आपकी कविताएं भी वयस्क होती जाती है, सघन होती जाती है, अर्थ सघन होती चली जाती है। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, बहुत से सपने मेरे अपने बचपन से रहे हैं, एका के सपने ही तो हैं जो अब तक मेरे अपने हैं, अक्सर सच होते न देख अपने इन केवल अपनों की हत्या भी कर डालता हूं, तैर जाती है उदासी तब जब एक के बाद एक टूटने लगते हैं सपने, क्या बात, बहुत पर फिर से नई कॉम्प्ले फूटती है, नई आशाएं लिए मैं देखने लगता हूं सपने, मरमर कर भी रक्त बीज की तरह जी उठने वाले हैं सपने, सपने हाँ जिन्हें देखना चाहता हूँ सच होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सारे आयाम हैं आपके जीवन के, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या हम पूछे आपसे, क्या क्या हम जाने, लेकिन जैसे आप जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जब इस मंच पर आते हैं तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस मंच पर आज आप यहाँ बैठे हैं, दूरदर्शन का ये मंच है, इस दूरदर्शन से भी आपका बहुत लंबा जुड़ाव रहा है जी। इस बारे में जरा बताएं। हाँ, ये आपने अच्छा कहा कि मुझे लगता है कि प्रसार माध्यम जो है उसका प्रसार बहुत बेहतरीन रूप में अभी हो गया है, क्योंकि बहुत सारे स्तरों पर मैंने जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और वेब मीडिया जो है प्रचलित है आज के दौर में, लेकिन मुझे लगता है कि दूरदर्शन जो है उसकी पहुंच सुदूर स्थानों तक है। और आज भी मुझे लगता है कि विश्वसनीयता कहीं पर है तो दूरदर्शन की है जी। मेरा जुड़ाव दूरदर्शन से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, तब जब मैंने कॉलेज में पढ़ा करता था, और उसके बाद मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि दूरदर्शन दिल्ली के लिए भी मैंने काम किया, कमलेश्वर के साथ भी कुछ समय काम करने का अवसर मुझे मिला। मेरी शुरुआत आप आश्चर्य करेंगे कि जब मैंने MBA किया टूरिज्म में, काम जब मैं कर रहा था PhD तो मुंबई में रहा 3 साल तक फिल्म जर्नलिज्म में जो है, तब भी हम लोग GTV के लिए वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और बनाया करते थे और लिखने का काम मेरा हुआ करता था उस समय। दूरदर्शन और रेडियो से जो है मेरा जुड़ाव इस रूप में भी रहा कि मैं रेडियो एंकर भी रहा हूँ पुराना, जब बीकानेर में हम लोग थे कॉलेज में पढ़ते थे तो कैजुअल अनाउंसर के रूप में काम किया करता था मैं, और उसमें भी पैसे मिल जाते थे अच्छे खासे जो है जी। उसके बाद जब यहाँ पर मैं आया तो एक प्रोग्राम था मरुधरा, उसका मैंने करीबन 1 दशक तक मैंने संयोजन किया मरुधरा का, जो राजस्थानी का कार्यक्रम था, क्योंकि राजस्थानी से मेरा लगाव रहा है, मायड़ भाषा जो आपकी मातृभाषा जो है उससे मैं शुरू से मतलब बहुत प्रभावित रहा, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को आपकी मातृभाषा आपको देती है, जीवन में संस्कारित करती है आपको एक प्रकार से। और एक बड़ा काम मुझे लगता है तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि डेजर्ट कॉलिंग जी, ये एक धारावाहिक डॉक्यू ड्रामा मैंने लिखा था जी। और ये उस समय तत्कालीन निदेशक थी सुधा गुप्ता जी यहाँ पर जी। उनका एक बार फोन आया मेरे पास में कि रवि जी कुछ करना चाहते हैं पर्यटन पर, और आप पर्यटन से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं दूरदर्शन के लिए कुछ लिखिए आप जी। तो मैंने सोचा शायद ऐसे ही कह रही है मैम जो है, लेकिन वो बड़ी इस मामले में परिपक्व थी, उन्होंने बाद में मुझे फोन किया कि नहीं कैसा क्या वो आपका उसका काम का जो है, और मैंने उनके कहने पर जो है डेजर्ट कॉलिंग जो है उसका कंसेप्ट भी मेरा ही था कि कैसे इस तरह से हम लोगों ने एक तय किया कि एक बाहर की विदेशी लड़की जो है बाहर रहती है, विदेश पर जाती है, लेकिन राजस्थान उसके फोर फादर्स रहते थे,
और जैसा होता है कि उसके दादा दादी पिताजी उसको सुनाया करते थे कि राजस्थान इतना खूबसूरत है, रेत है वहाँ पर, इतना लोक संगीत मधुर है वहाँ का, तो उसके मन में था कि थोड़ा बड़ी होती हूँ मैं तो सबसे पहले राजस्थान जाऊंगी, घूम के मैं आऊंगी। तो हम उसको लेके आते हैं यहाँ पर, जो लड़की आती है उसको एक गाइड मिल जाता है। अच्छा। और गाइड के साथ वो घूमती है वहाँ पर राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर जो है, तो वो जब घूमती है तो बहुत सारी लोक संस्कृति से भी उसका जुड़ाव होता है। और कुछ इस तरह से हमने लिखा कि जैसे ओरण जो संस्कृति है राजस्थान की जो है, और एक दिन एक बड़ा रोचक प्रसंग मैंने उसमें डाला, उसमें ये ऐसे ही जहन में आता है कई बार जो चीजें बिखरी होती है, कि वो अपने देखती सुनती है कि वहाँ पर जो है मैं तुम्हें प्रीतम कहूँ जो है। अच्छा। तुम्हें जो है, और इसका संबोधन मैं दूँ तो कैसा लगेगा तुम्हें जो है, तो कहता है तुम्हें पता है कि प्रीतम का मतलब क्या होता है। जी। तो बोले मतलब क्या होता है, कि ऐसे ही है, तो कहता नहीं उसका मतलब पति होता है, प्यार लवर होता है जो है। जी। तो वो शर्मा जाती है। इस तरह से ओरण के बारे में जब देशनोक जाते हैं तो देशनोक में जो है एक पूरा क्षेत्र जो है पेड़ों का छोड़ रखा है वहां पर जो है, उसकी कटाई नहीं होती है क्योंकि वो देवताओं की जो है भूमि मानी जाती है। अच्छा। और लोग अपने आप ही पेड़ वहां से सूख जाते तब भी काटते नहीं है वहां पर जो। तो वो जो ओरण की संस्कृति है वो राजस्थान में सब जगह पर है कि अपने आप लोग पेड़ों का संरक्षण करते हैं वहां पर। जी। तो इस तरह की चीजें हम लोगों ने डाली वहां पर, और एक नया प्रयोग भी किया उस डॉक्यू ड्रामा में जो है, डायरेक्ट कॉलिंग में हमने प्रयोग ये किया कि आमतौर पर डायरी में लिखते हैं कोई जो है अपना अनुभव जो है, लेकिन वो जो हमने जिसको हीरोइन के रूप में लिया था कि वो रात को जो है लैपटॉप पे कुछ लिखती है वो। अच्छा। और जैसे ही वो लिखना शुरू करती है फ्लैशबैक में जो है वो जिस दिन जिस वो घूमती है जिस स्थान को, उस स्थान को हमने दिखाया। अरे वाह। तो मैंने शुरुआत की जो है कड़ियां जो उसकी 25-30 कड़ियां जो है मैंने उसकी लिखी डेजर्ट कॉलिंग की, और वो काफी लोकप्रिय और अभी मुझे लगता है डीडी भारतीय बिल्कुल आता है सर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो कार्यक्रम आज भी देखा जाता है और लोग प्रज्ञा उसको बहुत ही पसंद करते हैं। और ऐसे में जब बात हो रही है मातृभाषा की भी, तो अभी हाल ही में मातृभाषा दिवस भी गया है और आपका तो खुद का जन्म भी जो है वो हिंदी दिवस पे 14 सितंबर को ही हुआ है, तो आप जब इतना हिंदी में लिखते हैं पढ़ते हैं, हम दिन रात हिंदी से दो चार तो होते ही हैं अपने जीवन में, तो क्या आपको लगता है कि मातृभाषा या जो हमारी राजस्थानी भाषा है इसको भी जो है लोगों को अपनाना चाहिए, और ये किस प्रकार से उतनी कठिन आपको महसूस हुई हिंदी के मुकाबले, क्या ये आसान है, क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए व्यक्ति संस्कारित अपनी मायड़ भाषा मातृभाषा से ही होता है। जी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मातृभाषाओं से ही व्यक्ति जो है जीवन को जो है बहुत वृहद रूप में देख पाता है। जी। हिंदी भाषा नहीं भाषा मंडल है। बिल्कुल। और मुझे याद है कि मैंने राजस्थानी में एक संस्मरण जो है कमलेश्वर पर लिखा था। जी। अच्छा। और मैंने भेजा उनको पढ़ने के लिए हिंदी का अनुवाद करा के, मुझे लगा कि शायद राजस्थानी कमलेश्वर पढ़ नहीं पाएंगे। जी। और जागती जोत में छपा था राजस्थानी भाषा की पत्रिका में। जी। जी। उन्होंने उसको पढ़ा और उसके बाद कहा पढ़ता हूँ तो राजस्थानी समझ में आती है। आखिर हिंदी को रक्त संस्कार राजस्थानी ब्रज सोर से आदि भाषाओं ने दिया है, हिंदी भाषा नहीं भाषा मंडल है। और मुझे लगता है राजस्थानी भी भाषा नहीं भाषा मंडल है। जी। और ये इस भाषा मंडल में तमाम बोलियां जुड़ी हुई है राजस्थानी के साथ में, हाड़ोती मेवाती जी। ये जो तमाम बोलियां जो है मारवाड़ी शेखावटी ढूंढाड़ी ये तमाम बोलियां जो है वो इसका श्रृंगार है राजस्थानी भाषा का जी। बहुत खूब। और जो व्यक्ति अपने भाषा में शिक्षा प्राप्त करता है तो मुझे लगता है राजस्थानी में अगर शिक्षा प्राप्त करे व्यक्ति तो वो बहुत ज्यादा जो है आगे सामान्य से ज्यादा उसका परिपक्व दिमाग जो मुझे लगता होता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मातृभाषाओं में जो है व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए। कभी आपको ऐसा लगा सर कि मातृभाषा पर भी कोई किताबें लिखी जाएं या इसको और आगे बहुत सारी किताबें मातृभाषाओं पर लिखी गई है और राजस्थानी में तो इतना विपुल साहित्य लिखा जा रहा है, मेरी खुद की कविता संग्रह कविता द्विवेदीट को साहित्य अकेडमी ने सम्मानित किया और मुझे लगता है कि ये मेरी मायड़ भाषा का ही प्रताप है, उसी के कारण साहित्य अकादमी का अवार्ड मुझे मिला। जी। और राजस्थानी में अभी भी जो लिखता हूँ तो सुकून मिलता है, संपन्नता होती है। हिंदी चूंकि राष्ट्रभाषा है तो हिंदी में भी निरंतर लिखना होता है। जी। मैंने यात्रा वृतांत हिंदी में खूब सारे लिखे हैं और तमाम विधाओं में साहित्यिक विधाओं में लिखता रहता हूँ, लेकिन राजस्थानी मुझे इसलिए प्रिय है कि डायरी में लिखता हूँ तो राजस्थानी में लिखता हूँ आज भी जो है, रात को जब मैं लिखता हूँ हमेशा करीब करीब रोज ही डायरी लिखना होता है। और वो लिखना मुझे लगता है कि बाकी की जो आपका लिखना है उसका एक कारक भी बनता है डायरी जो है। तो आपने 21 से ज्यादा किताबें लिख दी, मतलब हम तो एक किताब लिखने के लिए भी सोचे शायद और आपने 21 किताबें लिख दी। इसमें बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है वो संपादक भी है जो मुझसे लिखवा लेते हैं। अरे वाह। और दूरदर्शन भी है उसके लिए, उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि दूरदर्शन में बहुत सारी बार ऐसा कुछ लिखवाया जाता है जो बाद में किताब के रूप में भी आ जाता है। मेरे मित्र वीरेंद्र परिहार जो एक वो देखते हैं डीडी किसान का काम देख लेते, उन्होंने कहा कि डीडी किसान के लिए आपको लिखना है यहाँ पे,
तो उनके लिए मैंने लिखा, यात्रा वृतांत लिखे यहाँ पर। और शैलेंद्र उपाध्याय जब थे यहाँ पर तो उनके उनका आग्रह रहता था कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज लिखिए, तो लिखना होता था। तो मुझे लगता है कि ये जो लिखना है वो व्यक्ति को पुनर्नवा करता है, संपन्न करता है। और मैं उन संपादकों का भी आभारी हूँ, जैसे भास्कर में मैंने कॉलम लिखा, राजस्थान पत्रिका में कॉलम लिखा मैंने, अभी मैं सफरनामा लिख रहा हूँ न्यूज टूडे के लिए। तो ये जो लिखना होता है शायद वही परिष्कृत रूप में फिर किताब के रूप में सामने आ जाता है। बिल्कुल। सर अभी आपने बताया था, कुछ वक्त पहले बताया था कि आपने फिल्म पत्रकारिता भी की है, माया नगरी मुंबई गए आप, वहाँ फिल्म पत्रकारिता की, और बहुत जाने माने नाम है, लता मंगेशकर जी हैं, ओपी नैयर साहब हैं, और भी बहुत ऐसे नाम हैं जिनसे आपको रूबरू होने का मौका मिला। हम लोगों का तो सपना ही रह जाता है, आम आदमी का सपना रह जाता है, लेकिन आपने इस सपने को जिया, आपने सामने बैठ के उनका इंटरव्यू लिया है, इस बारे में जरा बताइए। सूर्जो सजे जी, ये नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने इसको पब्लिश किया था और मुझे लगता है कि एक सपना सा था वो, जब मैं मुंबई में शुरुआत मेरी फिल्म पत्रकारिता से हुई थी वहाँ पर। और सपना इस रूप में था कि मैं सोचा करता था, फिल्म संगीत से लगाव था, कि कभी ऐसा भी होगा क्या कि मन्ना डे से मुलाकात होगी, कभी ऐसा भी होगा क्या कि जिसको मैं सुन रहा हूँ गुलजार साहब उनसे मुलाकात होगी। तो सपने सच हो जाते हैं बसरते कि उसको देखने का जुनून आप जुनून हो। बिल्कुल। और अब्दुल कलाम आजाद तो कहते भी हैं कि सपने देखने चाहिए, बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखने चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने शायद खुली आंखों से सपने देखे थे, इसलिए साकार हो गए वो। मुंबई जब मैं गया था तो फिल्म पत्रकारिता के लिए गया था वहां पर मैं, और हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करते थे जी। और उसी दौरान जो है फिल्म संगीत से लगाव था, तो बहुत सारे हस्तियों से मिला, ओपी नैयर साहब से मुलाकात हुई, आशा भोसले से मुलाकात हुई जी, लता मंगेशकर से मुलाकात हुई जी, और तमाम गुलजार और इन सब से मुलाकात हुई। और वो जो मुलाकात होती थी उसको बाद में मैं लिखता भी था कि कैसे किसने क्या बताया। और एक रोचक आपको चीज बताऊं मैं कि ओपी नैयर साहब से मुलाकात जब हुई, मैं असल में गया तो था वहां पर मिलने के लिए किसी और से जी, और मुझे बताया गया कि ओपी नैयर साहब जू विले पार्ले वहां पर मिलेंगे, आप मिलना चाहें तो गया। मुझे लगा कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तो शायद पत्रकार बड़ा व्यक्ति होता है, उस समय ऐसा जहन में था। तो मैं उनसे मिलने जैसे ही गया, होटल में मिल गए मुझे, तो मैंने कहा साहब मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उनका आपने अपॉइंटमेंट लिया क्या मेरे से? अच्छा, मैंने कहा अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया। बोले फिर मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे। फिर मुझे ध्यान आया कि महिपाल से मिला था उस समय मैं, उससे पहले महिपाल जी ने उनका संदर्भ दिया था, बोले मेरा नाम ले लेना आप वहाँ पर। और महिपाल बहुत बड़े अभिनेता रहे भारतीय फिल्म जगत के, जो है पौराणिक फिल्मों के जो अभिनेता रहे, आधा है चंद्रमा रात आधी उन्हीं पे फिल्म आया हुआ है जी। तो मैंने उनका जब संदर्भ दिया तो उनका कि पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन अंदर बड़ी जबरदस्त बात हुई कि हम लोग जब ओपी नैयर साहब के पास में गया कमरे में, पहली बार मैंने देखा कि जैसे ही हैट उतारी उनके बाल नहीं थे जैसे मेरे नहीं। अच्छा। तो फिर वो उनको उनका कि हाँ बताओ क्या पूछना चाहते हो, तो जैसे ही मैं कुछ पूछने लगा एक व्यक्ति एंटर हुआ वहां पर जी, और उस बहुत सारे एक ब्रीफ केस दिया, तो उसमें पैसे थे बहुत सारे। उनका कि ये इसने मेरा इंटरव्यू लिया था तो इसलिए पैसे लिए मैंने। तो मैं बड़ा घबरा गया, मैंने कहा इसका मतलब मुझसे भी पैसे लेंगे ये। तो मेरे पास उतने पैसे थे नहीं, तो मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा रहा आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। तो कहा नहीं आप तो कह रहे थे इंटरव्यू करूंगा, तो मैंने कहा नहीं नहीं बस आपसे भेंट हो गई। तो वो जोर से ठहाका लगा, बोले कि इसलिए डर रहे हो कि पैसे मांगूंगा, तो कुछ बोला नहीं, बोला नहीं पैसे उससे लेते हैं जो केवल पैसों के लिए काम करता है, तुम लिखते हो तुम पूछ सकते हो। तो फिर मैंने उनका बड़ा सा इंटरव्यू लिया। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू विधा भी ऐसी है कि अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं जी, हम बड़े नहीं होते हैं, जो इंटरव्यू दे रहा होता है शायद वो बड़ा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मैंने सीखा मनोहर श्याम जोशी जी से, मनोहर श्याम जोशी जी की किताब है बातों बातों में जी, उसमें उन्होंने मानक शाह का इंटरव्यू लिया है, बहुत सारे और लोगों का इंटरव्यू उसमें उन्होंने लिया हुआ है, और उसकी भूमिका में वो बड़ा जबरदस्त अपने आप को खोल के रख देते हैं कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है, हम चीजों को जानते ढंग से नहीं है, तो शायद दूसरों से बात बेहतर ढंग से नहीं करते। बिल्कुल राजेश जी, मुझे लगता है कि आप इतनी बड़ी बड़ी संगीत की हस्तियों से मिले, और शायद यही कारण रहा होगा कि संगीत में भी आपकी अच्छी खासी दखल रही है, शास्त्रीय संगीत हो चाहे सुगम संगीत हो, बहुत आराम से आप गाते हैं, आप इतना सारा काम करते हैं, पूरा दिन आपका व्यस्तताओं में जाता है, लेकिन अगर कुछ वक्त की हम बात करें, कुछ वक्त अगर खाली मिलता है तो उस खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं, क्या क्या शौक है आपके, क्या हॉबीज है? एक शौक तो मैंने बताया था कि संगीत का मुझे बहुत लगाव है, और इस लगाव के कारण मेरी किताब जो है रंगनाद प्रकाशित हुई और बड़ी चर्चित किताब रही है रंगनाद जो है। ये वो किताब है जिसमें मैंने पंडित जसराज से संवाद मेरा है, इसमें पंडित भीमसेन जोशी से संवाद मेरा इसमें है। संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकलाएं,
इससे मेरा बड़ा लगाव रहा है और उन पे मैं लिखता भी फोटोग्राफी का भी आपको बहुत शौक रहा है। मैं फोटोग्राफी में खूब करता हूँ क्योंकि घुमक्कड़ हूँ मैं, करीब करीब हिंदुस्तान पूरा मैंने घूम लिया जी। मुझे लगता है कि जो खाली समय जो होता है, रविवार का समय अक्सर खाली मिलता है, तब मैं ये जो मेरा शौक जो काम है उसको करता हूँ, लिखने का काम मैं करता हूँ। लिखने का काम तो करीब रोज ही करता हूँ, रात को जब मैं करीब करीब 1:30 बजे करीब सोता हूँ मैं जी, और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ फिर भी, तो लिखना करीब करीब रोज ही होता है। सुबह भी लिखता हूँ मैं और रात को भी लिखता हूँ मैं कुछ जो है। और खाली समय की आपने बात कही, तब मैं संगीत सुनता हूँ, शास्त्रीय संगीत खासतौर से मुझे प्रिय है, ध्रुपद सुनता हूँ मैं और तमाम जो ठुमरी है, दादरा है, तमाम चीजें जो है। और इन लोगों से जब मिला मैं, पंडित जसराज से, उदय भावलकर जी से, पंडित भीमसेन जोशी जी से जी, और जितनी बार इन लोगों से मिला उतना ही पुनर्नवा हुआ। और मुझे लगता है संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकलाएं ये व्यक्ति को संपन्न करती है और अंदर से और ज्यादा उर्वर करने का काम करती है। और मुझे लगता है मेरे लेखन का भी स्रोत जो है कहीं से मुझे मिलता है, तो ये मेरी रुचियां ही शायद है। बहुत खुश सर। सर आप आज यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी बातें हमने आपसे की, बहुत सारी बातें हमने सीखी और दर्शकों को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप यहाँ आए हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों अब आपसे भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन चलते चलते न्यूज रूम से खबरें, उसके बाद लोकगीत, फिर मिलेंगे आपसे, मुलाकात फिर किसी अंक में होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को और मैं विचार व्यास, हम फिर मिलेंगे।